गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। आज अपने फोर्थ क्लास में ईवीएस का हमारा चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर। उसमें से अपने ने कुछ पार्ट है वो रीड कर लिया था, आगे का पार्ट है वो हम रीड कर रहे हैं। देखिए आगे क्या है, सेंस ऑफ साइट। साइट मीन क्या होता है, नज़र। मतलब कि नज़र की जो सेंस है हमारी, देखने की जो शक्ति है, उसके बारे में अपने को रीड करना है। आइज आर अवर सेंस ऑफ साइट। जो आँखें हैं वो हमारी देखने की शक्ति है, देखने के लिए मतलब कि हम यूज़ करते हैं इसको। दीज आर द विंडोज थ्रू विच वी लुक अराउंड। ये एक तरह की विंडो है, मतलब कि एक तरह से खिड़कियां हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम चारों ओर अराउंड हमारे आसपास का जो भी होता है चारों ओर हम देखते हैं। हैव यू एवर प्लेड ए गेम इन विच वी आर आस्क्ड टू बिकम ब्लाइंड फोल्डर। क्या आपने कभी एक ऐसा गेम खेला है जिसमें आप मतलब कि एक ब्लाइंड फोल्डर, एक फोल्डर, एक मतलब कि अंधा जो होता है आंखें बंद करके जैसे हाइड एंड सीक खेलते हैं, वैसे आपने ये गेम खेला है? डजेंट इट चेंजेस आवर एंटायर वर्ल्ड। क्या इससे जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो चेंज नहीं हो जाती? क्यों हो जाती है चेंज? क्योंकि हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं, मतलब ब्लाइंड फोल्ड, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, उससे क्या होता है कि हमें आसपास का कुछ भी है जो दिखाई नहीं देता है, हमारे आसपास जो आंखें बंद करने से कालापन छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो दुनिया है, मतलब कि कुछ भी दिखाई नहीं देने के कारण हमारा सब कुछ है वो चेंज हो जाता है। आइज आर देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट। आइज जो हैं, आंखें हैं, इसीलिए ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइज आर प्रोटेक्टेड बाय आई लाइट्स। जो आइज होती हैं वो हमारे आई लाइट से, जो पलकें होती हैं, आइज आर प्रोटेक्टेड बाय आई लाइट्स। आई लाइट्स का मतलब होता है पलकें, कि जो हमारी आंखें होती हैं वो सुरक्षित रहती है किनके द्वारा, हमारी पलकों के द्वारा। ब्लिंकिंग ऑफ आइज कीप्स देम मॉइस्ड। मॉइस्ट का मतलब होता है नमी रखना, मतलब कि उनमें नमी रहती है, सूखती नहीं है। ब्लिंकिंग का मतलब होता है पलकें झपकाना, कि जब हम अपने पलकें झपकाते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारी आंखें आती है वो नमी युक्त रहती है, उनमें नमी रहती है। वॉचिंग टू मच स्क्रीन, कि ज़्यादा टीवी देखने से मेक्स आवर आइज ड्राई। हमारी जो आंखें होती हैं वो कैसी हो जाती है, सूखी हो जाती है, मतलब कि उनमें नमी है वो खत्म हो जाती है। इट अफेक्ट आवर साइट ऑल्सो। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो नज़र पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि जो हमारी नज़र है वो कमज़ोर होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, लाइट एनेबल आवर आइज टू सी थिंग्स। कि क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो हमारी आईज हैं उनकी जो लाइट है, रोशनी है, वो चीज़ों को देखने के लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि अगर हम ज़्यादा टीवी देखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है और जो हमारी नज़र है, जो रोशनी है, वो क्या हो जाती है, देखने के लिए कम हो जाती है। इनकम्प्लीट डार्कनेस वी कैन नॉट सी। क्या होता है कि जब बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, वी कैन नॉट सी, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं। आगे है हमारा सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब कि सुनने की जो शक्ति होती है। विद योर पैलम्स, अपने हथेलियों से क्लोज बोथ ऑफ योर ईयर्स टाइटली। अपने कानों को अच्छे से टाइटली, मतलब कि बहुत टाइट तरीके से बंद कर लीजिए। कैन यू हियर साउंड नाउ। तो क्या आप अब कोई भी साउंड है, कोई भी आवाज़ है सुन सकते हो? मतलब इसमें ऐसा करने के लिए बोला है कि अपने हथेलियों से दोनों कानों को टाइटली से दबाइए, बंद कीजिए, और अब आप देखिए कि आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है, कोई भी किसी भी तरह की साउंड सुनाई दे रही है? आगे की पार्ट के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी बच्चों ने ये लेसन रीड करना है और अच्छे से समझना है। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।